अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको ट्राउज़र के ऊपर लेस के साथ डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी डिज़ाइन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पिनटेक्स बनाने के लिए निशानात लगाऊंगी, जो कि मैंने हाफ हाफ इंच पर निशानात लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 निशानात लगाए हैं। इसी तरह से ये लेस है मेरे पास, इसको भी मैं इस ट्राउज़र के डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। ये जो मैंने निशानात लगाए हैं फ्रेंड्स, इन्हीं निशानात को पैंचे के दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। हाफ हाफ इंच पर मैंने 4 निशान लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप स्केल की मदद से लाइंस भी बना सकते हैं। तो क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो मेरे ख्याल में लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह हाथ से ही इसकी क्रेज बिठा लूँगी। आप इसमें आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर कॉटन या लॉन फैब्रिक हो तो उसको इस तरह से हम हाथ की मदद से भी निशान बना सकते हैं। तो क्योंकि इसका बहुत लाइट कलर है तो मैंने इस पर स्केल से लाइन लगाना मुनासिब नहीं समझी। इस तरह से जो मैंने क्रेज बिठाई है उसके बिल्कुल किनारे पर मैं पिनटक्स बना लूँगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 4 निशानात लगाए हैं तो इस तरह से मैं बाकी सब निशानात पर भी पिनटक्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 4 टाइम इसकी पिनटक्स बहुत बारीक बना ली हैं। इसको आयरन कर लीजिए, इस तरह से ये बहुत नीटली दिखाई देता है। अब मैं इसके ऊपर लेस जॉइन करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बहुत कुछ मुश्किल स्टेप नहीं करने वाली, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो इसको डायरेक्टली मैं इस तरह से लेस के ऊपर रखते हुए अटैच कर लूंगी। अगर आपका फैब्रिक रेशमी है या मुख्तलिफ किस्म का है तो आप यहाँ पर बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत ही ईजी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। इस तरह से हल्की सी फोल्डिंग देते हुए मैं इसको लेस के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत नीटली लेस अटैच हो गई है। अब इसका लास्ट स्टेप बाकी रहता है, तो उसके लिए मैं ये जिगजैग वाली बारीक लेस इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैं पिनटक्स के बिल्कुल एंड पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर 3 मिनट में तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल और स्टाइलिश डिज़ाइन कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, रब्बे करीम से दुआ है कि आप सबका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।